एक तरफ जहां देश में पहले ही कोरोना के चलते खतरनाक माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एक और युद्ध है जिसके चलते देश में चिंता का माहौल है। दरअसल लद्दाख के मशहूर पांगोंग सो लेक के पास चीनी सेना ने अपनी गश्त बढ़ा दी है जिसके चलते सीमा पर तनाव है। पांगोंग सो लेक भारत और चीन की सीमा के बीच स्थित है। दो हफ्ते पहले ही भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच यहां झड़प हुई थी जिसके चलते अब चीनी सेना की सक्रियता सीमा पर बढ़ गई है। युद्ध का माहौल जैसे मानो बन चुका है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की भी माने तो उसमें बताया गया है कि चीन ने इस लेक में गश्ती नौकाओं की तैनाती भी बढ़ा दी है और अब ये पहले से 3 गुना है। वे पहले केवल 3 नौकाओं का ही इस्तेमाल कर रहे थे। आपको ये भी जानकारी दे देते हैं कि इस लेक में 5 मई को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। इससे कुछ दिन बाद दबाव बनाने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास आए चीन के हेलीकॉप्टरों को भारतीय वायुसेना के फाइटरों ने खदेड़ डाला था। विदेश मंत्रालय ने तनातनी पर पिछले हफ्ते ये भी कहा था कि चीन के साथ सीमा पर वो शांति और धैर्य बनाए रखने के पक्षधर हैं। सीमा के बारे में अगर साझा विचार होता तो इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता था। खैर, अभी जरूरी ये भी है कि पूरी दुनिया सिर्फ कोरोना से ही इस युद्ध को जीतने की कोशिश में जुटे, ना कि आपस में किसी नए युद्ध की स्थिति को उत्पन्न करे। जरूर कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि इस पर क्या है आपकी राय। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल टॉप न्यूज़ जस्ट फॉर यू।